शहर में कई जगह चल रहे स्मार्ट सिटी के अधूरे पड़े कार्यों और उक्त L&T कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही और धीमी गति से चल रहे काम के चलते इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। दरअसल शहर के वार्ड 55 के सिलावटवाड़ी में स्थित पन्नाधाय मार्ग पर स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारी और L&T कंपनी के कर्मचारी क्षेत्र में कई जगह काम को अधूरा छोड़कर भूल गए हैं, जिसकी सजा क्षेत्र के आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। अधूरे पड़े काम के चलते इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। स्थानीय निवासी मोहम्मद हारून ने बताया कि 7 दिन पहले यहाँ की सड़क स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले काम के चलते तोड़ दी गई, लेकिन काम करने वाले कर्मचारी काम को अधूरा छोड़कर ही चले गए, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। इन टूटी सड़कों के चलते लोगों ने क्षेत्र में आए दिन हादसे होने की बात भी कैमरे के सामने कही है। वही कई लोग क्षेत्र की पाइपलाइन खोद देने के चलते अपने मकानों की नींव में पानी भरने की शिकायत भी कर रहे हैं। पानी की वजह से लोगों को घरों में करंट आने का डर भी अब सताने लगा है। आइए हम आपको लोगों की जुबान ही सुनवाते हैं कि यहाँ किए गए सीवरेज के कार्यों के बाद उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ सर, ये हमें घर जाने में इतनी, ये जो सीवरेज काम चल रहा है इसमें सड़क इतनी रोक, कभी खोल दें कभी चालू कर दें कभी बंद कर दें, काम को स्पीड नहीं चल रहा है। और एक को हमें घर जाने के लिए 1 घंटे वेट करना पड़ता है और कोई ट्रैफिक और डायरेक्शन नहीं होता है। और काम भी जो कर रहे हैं उसमें ना कोई PCC कर रहे हैं, डायरेक्ट बस पाइप दबा रहे हैं और कोई भी काम स्पीड से नहीं हो रहा है। और ना L&T वाला ही नहीं, और ना कभी कोई इधर कोई कनेक्शन सही ढंग से कर रहे हैं, और ना कोई पाइप ढंग से दबा रहे हैं नहीं, और ना कोई सुपरवाइजिंग सही है इनकी ही नहीं। पॉइंट टू पॉइंट कोई काम नहीं हो रहा है और PCC तो कर ही नहीं रहे हैं, टोटल भराव के अंदर ही दबा रहे हैं पाइप को। ये यहाँ पे 5 वक्त इंसान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और बुजुर्ग लोग कितने, एक जने वहाँ गिर गए, इधर से आते हैं दूध लेते हैं गए वो गिर गए, और 2-3 खड्डे हो रहे हैं, इधर पाइप भी बीच में निकल रहे और खुले छोड़ रखे हैं, क्योंकि 4 दिन से काम बंद है। यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, सबको परेशानी पड़ रही, कोई आने वाला नहीं है इधर। मैं जिला ट्रक कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, शहर के अंदर अवलोकन करके L&T वाले के काम को देखें किस तरह से काम कर रहे हैं, सफल है या असफल है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, इनका L&T वालों का पेमेंट रोक दें, इनका चेक रोक दें, ताकि इनको ऑटोमेटिक नशियत लग जाएगी कि अच्छा काम करेंगे तो पेमेंट मिलेगा और अच्छा काम नहीं करेंगे पेमेंट नहीं मिलेगा। मेवाड़ दर्शन जो मेन रोड जो काम चल रहा है सीवरेज का L&T वालों का, ये अथॉरिटी आती नहीं है, सिर्फ लेबर क्लास काम कर रही है और बिल्कुल घटिया निर्माण हो रहा है। और हमारे घर की स्थिति देखिए आप, आके बिल्कुल खराब हो रहा है, पानी आ रहा है, चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हारून है, मैं होटल राधेश्याम के पास में रहता हूँ, और इन्होंने L&T वालों ने यहाँ पर 5-7 दिन पहले काम चालू किया और यहाँ की रोड को तोड़ करके चले गए और वापस हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। रेगुलर ट्रैफिक जारी है और हमारे मकान से उतरना चढ़ना हमको दुश्वार हो रहा है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और इनको हमने कहा फिर भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ की लोकेशन देख लें, आप हर जगह रोड तोड़ रखी इन्होंने और पाइपलाइन खोद दी, सारा पानी हमारे नींव में भर रहा है और ये बिल्कुल भी है ना इसका भी सोर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक औरत भी गिर गई, उसकी भी चोट आई है। और आप रेगुलर देखें ये पूरा, ये आप एक बार देखिए वो जाम लग रहा है। ये लोग है ना तोड़ तोड़ा के चले गए, ना तो इसकी यहाँ की सुध ले रहे हैं और ना ये काम कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे उच्च अधिकारी से बात कीजिए। अब हम किससे बात करें, कोई बंदा आके हमसे बात तो करे, अब ये खोद के चले गए, कोई बात करने वाला तो होगा कम से कम यहाँ पर। यहाँ पर आज 8 दिन से काम बंद है और यहाँ बुजुर्ग पड़ रहे हैं और दूध लेने बच्चे जाते हैं तो वो भी गिर गए, एक जने का पाँव भी टूट गया बच्ची का और छिलाई गई, और बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं, सुबह सुबह ऑटो भी इधर नहीं आते हैं और सब्जी वाले वगैरह हर चीज़ से दुखी हो रहे हैं, आगे आगे गलियाँ खोदते चले जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर। और अभी भी पीछे गली में सीवरेज में से पानी बाहर आ रहा है और ढक्कन कोई सुनने वाला नहीं है, और कहते हैं हाँ कर देंगे इस तरीके से कर करके और दादागिरी कर करके और टाल के जा रहे हैं यार। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब पलपल राजस्थान के संवाददाता इस क्षेत्र में कवरेज करने पहुंचे तो यहां मौजूद स्मार्ट सिटी के इंजीनियर ने कवरेज करने और यहां की बदहाल हालत दिखाने पर संवाददाता को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे संवाददाता शिवराज सिंह ने जब अधिकारियों और कर्मचारियों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा और यहाँ की बदहाल व्यवस्था को कैमरे में कैद करते रहे तो मौके पर मौजूद L&T कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी बदतमीजी पर उतर गए और कवरेज करने पर मोबाइल तोड़ने की धमकी देने लगे। लेकिन स्थानीय लोगों ने भी संवाददाता का बीच बचाव किया और L&T कंपनी के कर्मचारियों के इस बर्ताव को गलत ठहराया।
आप फोन तोड़ने की बात कैसे कर रहे हो सर? सर मेरी बात सुनो। नहीं 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 फोन कैसे तोड़ दोगे आप? फोन तोड़ दोगे? फोन तोड़ दे। हमने जो न्यूज वालों को बुलाया, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी हमारी बात सुन रहे हैं, उनको ये अथॉरिटी फोन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं और दादागिरी की हमारे सामने की इन लोगों ने, और फिर उनसे बात की तो वो गाड़ी लेके निकल गए यहाँ से। और अभी ये मीडिया वाला है, इनसे भी बदतमीजी करें, गाली गलौज करना ही नहीं है, फोन तोड़ दूंगा इस तरीके कंडीशन में दादी की करना, ये सूरज वाला ही नहीं।